वंदे गुरुपद्द्वंदबिंदसमित श्रीचैतन्यभु वंदे नि्तानंदसहोदि श्री नंदनंदन वंदे राधि का चरणोद गोपीजन सामुक्त बिंदावन मनोहर

भक्तिप्रमोदाक्षजगोद्वरुण्य धेयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तेथास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतातिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरुणार्विन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरीज किमें गपवधु स्वादर्शी पूर्णागर ससागर सारूर्ति साराधिकाय कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियाद्वैतवदाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण

विषाम बरो द्विज बर जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणा भूथारु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पादपङ्कजं दिव्य दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नितं भवानुरूपेण सदा नरानम् గంగా తరంగ తరంగరణీయజాకలాపం గౌరీ నిరంతర విభూషి తవామ భాగం నారాయణ ప్రియమనంగ మర వసి పురపతి భజ భీషనాథం వాగీషజుష్వదే लक्ष्मीशी यस्ते त्वं संबी भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम

প্রায়মুন সবি মৌন চর্তি বিজনি পার্থনিষ্ঠা নইতা বিহা কৃপনা বিমুমো এদস ভ্রমত গৌরী গোষ্ঠীবতি শ্রী শিলভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতি গোস্বামী বহু পাদুরুজি নয় বত মেরা গুরুপাত পদ্ম परमांश आचार्य शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने मेरे को इतना ऊंचा संग दिया मेरे को इतना ऊंचा संग दिया कि इसके बाद मेरे को दूसरा कोई संग करने का इच्छा ही नहीं पैदा होती गौरी गोष्ठी पोती श्री शिलाभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी जगत पहुपा जगत गुरु जी ने बताएं मेरा गुरुपाद पद्म आचार्य श्री लगौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने हैं मेरे को इतना ऊंचा संग दिया है ये ये संग ऐसा किस्म का ऊंचा संग प्राप्त करने का बाद मेरे इच्छा में कोई इच्छा ही शेष नहीं रह गया कि एक दूसरा कुछ संग करने के लिए मैं भागूँ दौड़ूँ ऐसा कोई इच्छा नहीं है सिलगौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने श्री के किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने भोपात जी को तीन आदेश किया विनती आमार प्रभु आप कली का ब्रह्मांड में मत जाना कली का ब्रह्मांड मत कलिकाता में मत जाना आमार प्रभु आप कोई शिष्य नहीं बनाना और कभी किसी का संग नहीं करना कभी किसी का संग नहीं करना पोपा जी ने बताए मैं मरते दम तक गुरु जी का ये जो आदेश है मैंने पालन किया बाहरी दृष्टि में देखा जाए पोपा तीनों के तीनों आदर्श का उल्लंघन किया बाहरी दृष्टि में देखा जाए तो बाहरी दृष्टि में देखा जाए तो रामानुज रामानुजाचार्य जी ने उनके गुरु जी का आदेश उल्लंघन किया बाहरी दृष्टि में बाहरी दृष्टि में देखा जाए तो आदेश उल्लंघन किया ऐसा लगता है लेकिन भोपाल जी ने विचार बताया हमने कभी कलकत्ता में हमने कभी कलर ब्रह्मांड में नहीं गया हमने कभी कली का ब्रह्मांड में नहीं गया हम गौड़िया मठ में गया और अपराखित वैकुंठ प्रांगण जहाँ हर वक्त हरि कथा कीर्तन चलते रहते हैं हम गौड़िया मठ में गया कभी भी कोली का ब्रह्मांड में मैं नहीं गया पापा जी ने बताए मैंने कभी शिष्य नहीं बनाए एक भी शिष्य नहीं बनाए मैंने सारे गुरु बनाए एक परमांशु आचार्य जो इनके विचार ऐसा है जब मैं शिष्य नहीं बनाया गुरु बनाया और तीसरा जो कोई संग मत करो पापा जी ने बताए मैं कभी किसी का संग नहीं किया मैंने जो आप गुरु गुरुवर्गो का गुरु जी का हमारा प्रहंश गुरु जी का ऊंचा संग मिला मेरे को इसके बाद मेरा रुचि नहीं पैदा होता किसी का संग करने का इसलिए मैं किसी का संग नहीं करता अगर पूछो तो महाराज बहुत आदमी क... अगर पूछो तो देखा जाए आप बहुत आदमी का साथ मिलते हो उधर पब्बत कहते हैं कि मैं गुरुजी का पास से जो संग मिला है ये संग मैं दूसरों लोगों को देता हूँ इन लोगों को संग मैं नहीं इन लोगों का संग मैं कभी ले नहीं लेता हूँ शुद्ध गुरु वैष्णव जब बद्ध जीवों का साथ बात करते रहता है ये नहीं समझना चाहिए कि वो अपना टाइम को गंवा रहे हैं वेस्ट कर रहे एक मारवाड़ी व्यक्ति ने परम पुजो माधव कु महाराज का मंदिर में आते थे कभी 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 मतलब रोजी थोड़ा बहुत आते थे और आने का बाद देखते थे महाराज जी क्या करता है नहीं करता है जब भी वो आते थे देखते हैं महाराज किसी ना किसी का साथ बातें करते रहते हैं और इनका बुद्धि तो खराब है और मेटेरियल बुद्धि है इन्होंने महाराज जी को एक दिन बताया महाराज जी एक, एक प्रश्न करे बोला हाँ बताओ क्या प्रश्न है बोला आप भजन कब करते हो जब ही मैं आता हूँ हर वक्त देखता हूँ आदमी के साथ बात करते रहते हो भजन कब करते हो मेटेरियल आदमी का ऐसा भाव है माधव गुस्माय जी ने बताया भजन किसको बोला जाता है मैं हर वक्त ये आदमी लोगों जो आता है मेरा पास एक एक प्रश्न लेके उस सब प्रश्नों का मैं उत्तर देते रहता हूँ मैं कथा बोलते रहता हूँ हर वगत कथा बोलते रहना यही तो भजन है बाकी तो नाम संधा बंधे तो चलेगा ही वो तो है ही है पौपा जी ने बताया अनुक्षण चौबीसों में चौबीस घंटा कथा कीर्तन में व्यस्त आदमी यही पक्का साधु पोपा जी ने बताया अब जब धाम परिक्रमा का प्रसंग आता है तो याद आ जाता है शिला भक्ति में ठाकुर जी ने शिला भक्ति में ठाकुर जी ने इस जगह से जाने का पहले शिला पहुपा जी को आदेश दे के गया तुमको तीन काम विशेष करके करना है तुम्हारा तो बहुत सारे सेवा है लेकिन तीन ये विशेष बात ध्यान देना आपको इस बात इस बात पर ध्यान ध्यान देना है पहला बात है आप नवद्वीप धाम परिक्रमा का चालू करोगे नवदीप धाम परिक्रमा का पुनः प्रतिष्ठा करोगे नित्यानंद प्रभु जी ने चालू किया था जिबोसाई बात जी को कराया और नवदीप धाम परिक्रमा करोगे तमाम बद्ध जीवों का मंगल का एक एक सोर्स है इतना बड़ा सुंदर व्यवस्था अब हो ही नहीं सकता दूसरा बात है आप दैव वर्णाश्रम धर्म को स्थापन करके समाज ये जड़ समाज संसार में वैष्णवों का जो ऊपर वैष्णवों का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वैष्णवों का जो अपमान हो रहा है इस बात का समाधान करना है दैव वर्णाश्रम का माध्यम नहीं तो आदमी बोलेगा शिला बाबा बाबाजी महाराज मछुआरे कुल में पैदा हुआ शिला बाबा बाबाजी महाराज जी ने वैश्य परिवार में पैदा हुआ राय रामानंद जी ने शूद्र परिवार में पैदा हुआ शिला हरिदास ठाकुर जी ने जवन कुल में पैदा हुआ ऐसा करके तरह तरह का विचार बनाते रहेगा रघुनाथ दास गोस्वाय वैश्व कुल में अविर्भाव हुआ ऐसा करके अपमान करेगा सो ये आपका जुमा है ये धाम परिक्रमा का पुनः प्रतिष्ठा करो विश्व वैष्णव राष्ट्रभा का तो पुनर्जीवन हुआ ही है किया है इसके बाद वर्णासक दैव वर्णाश्रम का स्थापना करो जो शास्त्रों का विचार का मुताबिक और तीसरा ये धाम का जो धाम धाम का उन्नयन धाम का डेकोरेशन धाम का प्रकाश जितना सारे हो सके धाम का ये सब करते रहो ये सब करने के लिए शिला में ठाकुर जी ने प्रपात जी को आदेश किए अब ये धाम परिक्रमा का विषय में ये प्रसंग आता है ये धाम तत्व है बलदेव तत्व ये धाम परिक्रमा का विषय इतना गंभीर है ये धाम बलदेव तत्व है काल चर्चा हो रहा था भगवान का शक्ति का विभाग का अनुसार तीन मिलता है एक है संधिनी शक्ति एक है संबित शक्ति दूसरा है लादिनी शक्ति लादिनी शक्ति का फंक्शन है लादिनी दारे को भक्तिर पोषण लादिनी का माध्यम लादिनी शक्ति का माध्यम भगवान भक्तों का पोषण करते रहते हैं इसको आनंद देते हैं लादिनी दारे को भक्तिर पोषण शक्ति के द्वारा जितना सारे अपराकृत जगत में जो धाम आदि बलदाजी महाराज ने प्रकट किया है प्रकट किया है का मतलब ये नहीं तो काल हुआ है ये काल उपस्थित है फिर भी चंदि शक्ति के द्वारा हमारा बलदाजी महाराज ये धाम को प्रकट किए हैं, तमाम धाम बैकुंठध धाम गोलोक धाम नवद्वीप सारे ये सब प्रकट किए हैं और भगवान का जितना सारे पार्षद है इटर्नल पार्षद है नित्य पार्षद है भगवान का संदिनी शक्ति प्रकटित निजोजन हर वक्त भगवान का साथ लीला करते रहते हैं और संबित शक्ति के द्वारा संबंध ज्ञान का परिपुष्टि मतलब संबंध ज्ञान नहीं होने से संबंध ज्ञान नहीं होने से भजन का शुरुआत ही नहीं होता पापा जी ने बताए संबंध जानिया भोजिते भोजिते अभिमान हे दूर संबंध ज्ञान का परिस्फुटन का मतलब है भजन का शुरुआत संबंध नहीं होने से किसका सेवा करेगा कैसे करेगा क्यों करेगा ये तरह तरह का क्वेश्चन आ सकता है संबंध ज्ञान का परिस्फुटन होने से भजन का शुरुआत हो सकता है संबंध ज्ञान के अलावा हो नहीं सकता अपराकृत धाम में संबंध जो है ये नित्य संबंध है नंदो यशोदा माँ नंदो बाबा यशोदा माँ रोहिणी माँ श्रीधाम सुधाम वसुधाम सुबोल स्तोको कृष्ण अर्जुन ये सब जो है नित्य संबंध है संबंध है और अपना अपना हिसाब से सारे सेवा करते रहते हैं नित्य धाम में ललिता उषाकार सारे जो संबंध है ये संबंध लेकर भगवान को प्यार करता भगवान को सेवा करते रहते हैं और ये संबंध ज्ञान का जो विषय है ये जो संबित शक्ति का ज्ञान ये संबित शक्ति का पार्भर्टि रिफ्लेक्शन विकृत प्रतिफलन अगर ये जगत में आए ये संबित शक्ति के द्वारा जो मेटेरियल रिलेशनशिप जड़ जगत का जितना सारे संबंध ज्ञान बना हुआ है ये संबंध ज्ञान पिता माता भाई बंधु दोस्ती सब जो जितना सारे संबंध बना हुआ है सारे संबंधों मेरा बैंक की अमानती पैसा है मेरा डिग्री है जितना सारे डिग्री हासिल किया है जितना सारे नॉलेज है ये सब ये संबित शक्ति के द्वारा इस जगत में इस सब बद्ध जीव जो इकट्ठा कर रहे का चिड़ा जड़ विद्या मायार वैभव तुमार भजन बाधा अनित तो संसारे मोहजंग मिया जीप के गाधा ये जगत में जो संबंध ज्ञान का परिपुष्टि जितना सारे नॉलेज है जड़ जगत का जितना सारे नॉलेज है सब इस संभित शक्ति से और ये जो संदिनी शक्ति से ये जगत का जितना सारे पिता माता भाई बंधु का जो ये जो ये जो स्थिति है परिस्थिति है ये सारे जो है संदिनी ये जो संदिनी शक्ति का ये जो परफेक्ट रिफ्लेक्शन है ये जगत में और लादिनी शक्ति का जो विकृत प्रतिफलन है जगत में है इसके द्वारा स्त्री पुरुष का अंदर में प्रेम बाकी सबका प्रेम प्रीति चलते रहता है ये लादिनी शक्ति का ये विकृत प्रतिफलन इस जगत में ऐसा करके चल रहा है इस जगत में और ये जो धाम परिक्रमा का व्यवस्था प्रभुपाद जी ने भक्तिम ठाकुर का आदेश लेकर चालू किए हैं इसका अंदर में जो श्लोक मैंने पहले शुरुआत किया है प्रहलाद महाराज जी का इसका साथ साल्लुका है प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं अक्सर देखा जाता है ये संत महात्मा लोग क्या करता है निर्जन एकांत में जाकर अपना भजन का बारे में सोचता है ज़्यादातर ये देखा जाता है सब अपना अपना भजन के लिए सब व्यस्त हैं लेकिन प्रोलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ ये भगवान मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ अगर आप किपा करना चाहते हो कि तो ये जो असुर बालक हैं इन लोगों का कोई रास्ता नहीं है ये जो अवसुर बालकों हैं इस असुर बालकों के को लिए कोई रास्ता खुला नहीं है आप छोड़ के तो आपको अगर हमको कृपा करना है तो इन लोगों को कृपा करना है क्योंकि मेरे को तो आपका कृपा मिला ही मिला है नारद जी महाराज हमको कृपा किया आपका भक्त है सो so, प्रायण देव मुन स्वाभिमुक्ति का मा मौनम चरण दिव्य प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इन लोगों को छोड़कर हम कुछ नहीं चाहते हैं आपको कृपा करना है इन लोगों को उद्धार करना है प्रहलाद महाराज का ये कहना है हमारा गौरीय भजन का ये विशेष है कोई अगर कहे काल बताया था कोई अगर कहे तो हमको डिस्टर्ब मत करो हमको एकांत में रहने दो हमको झमेला शांति से चैन से जीने दो हमको झमेला मत करो हमको चैन से जीने दो ये अगर कोई कहे तो जरूर समझ लेना इसका अंदर में पैसिव काम है कोई अगर कहे मेरे को मेरे को हो आप डिस्टर्ब मत करो हमको चैन से जीने दो ये अगर कहीं कहा किसी व्यक्ति ने किसी बंदा ने तो यह भजन का कोई समझाई नहीं कुछ इसके अंदर में पैसिव काम है क्योंकि हमारा गौरी भजन का विचार है तुम्हार भजन ने ये जो हमारा गौरी भजन का विचार है भक्ति में ठाकुर जी ने सिखाया है जे जितना बाधा विपत्ति है तो आपका भजन में जितना सारे विपत्ति है तुम्हार भजने दुख हाई जो तो तो परम सुख हो आपका भजन में जितना सारे तकलीफ उठाना पड़े उतना ही अच्छा है तुम्हार भजने दुख हाई जो तो तो परम सुख हो इसीलिए पापा जी ने सिखाया हमारा गोड़ी मठ का एक एक जो भक्त है हमारा गौरिया मठ का एक एक जो गौरी भक्त है गौरिया मठ का गौरी सारस्वत गौरी परिवार का एक एक व्यक्ति ये समाज का एक एक बद्ध जीवों को बचाने के लिए दे आर रेडी टू सेट गैलन्स ऑफ ब्लड बहुत सारे खून बहाने के लिए खून देने के लिए तैयार है इन लोगों को बचाने के लिए माया का संसार से ये लोगों को माया का संसार से बचाने के लिए हर वक्त हमारा गौरिया मठ का एक एक पक्का जो साधु है जो नकली साधु है उसका बारे में नहीं कह रहा हूँ ये गैलन सॉफ ब्लैट बहुत गैलन खून देने के लिए तैयार बैठा है ये समाज संसार का बद्ध जीवों को एक एक बद्ध जीवों को बचाने के लिए ये मेरा गौड़िया मठ का विचार है गौड़ी भजन का हमारा विचार है प्रोपा जी ने बताया ये जो धाम परिक्रमा का व्यवस्था किया है धाम तत्वों का बारे में काल भी हम बताएंगे बताने की कोशिश करेंगे बहुत गहरा विचार अब धाम परिक्रमा का विषय जो चालू किया है भक्ति ठाकुर का आदेश के अनुसार इसमें एक गहरा मकसद है गहरा विचार है वो क्या है भले शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्व में ध्यान देश इस विषय पर शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्व में अगर धाम परिक्रमा किया जाए धाम का बारे में हमने बताया ये बलदेव तत्व तो है ये बलदेव तत्व तो है धाम बलदेव तत्व तो है सहस््र सहस्व शार्ष्वपत, पत्व कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत् तोरणिकार तद तत, हैं तद ध्याम तत अनंतांश संभव इत्यादि श्लोक ब्रह्म संहिता में आता है ये कमल सदृश है ये जो धाम का परिक्रमा का व्यवस्था काल ये भी बताया था ऐसा किस्म का बहुत सारे अपराध हैं जो भगवान क्षमा करना नहीं चाहता बिल्कुल लेकिन धाम परिक्रमा करते रहो करते रहो करते रहो धाम परिक्रमा के द्वारा भगवान प्रसन्न होके इसका ऊपर कभी न कभी कृपा करने के लिए तैयार हो इसीलिए धाम परिक्रमा इतना गंभीर विषय है बद्ध जीवों को बचाने के लिए धाम परिक्रमा से बढ़कर इतना सुंदर पद्धति और कुछ नहीं है इसीलिए बद्ध जीवों को बचाने के लिए पपाजी जी ने धाम परिक्रमा का व्यवस्था किया है गौरंग महाप्रभ का लीला में एक विचार आता है ये बड़ा अनमोल विचार है पुरुषोत्तम धाम में जगदानंद पंडित जी रहते हैं भगवान का नित्य पार्षद शक्ति जगदानंद पंडित का साथ महाप्रु का प्रेम की जो गहरा विचार है प्रेम की जो विवर्त है प्रेम की जो विवर्त है ये बाहरी विचार से समझना बहुत मुश्किल है जगदानंद पंडित का जो प्रेम का जो विवर्त है ये बाहरी दृष्टि से मेटेरियल ब्रेन लेकर इसको विचार करना बहुत मुश्किल है समझ में नहीं आता जगदानंद पंडित जी ने महाप्रभु जी से बार बार कहते आ रहे हैं कि प्रभु मेरे को आप कृपा करके अनुमति दे दो कि मैं वृंदावन जाके दर्शन करके आऊँ एक दफ़े लेकिन पोपा जी ने अनुमत लेकिन महाप्रभु जी ने अनुमति नहीं दिए बार बार ये प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु मेरे को थोड़ा अनुमति दे दो मैं वृंदावन जाके दर्शन करके आऊं लेकिन महाप्रभु किसी भी हालत से अनुमति अनुमति नहीं दे रहा है जब अनुमति नहीं दे रहा है तो दूसरा रास्ता ढूँढना पड़ा वो क्या है जगदानंद पंडित जी ने राय रामानंद महाशय स्वरूप गोसाई सर्वम भट्टेजा जो इन लोगों को पारसू किए प्रार्थना किए आप थोड़ा मेरा तरफ से आप थोड़ा प्रभु से इजाज़त लेके दे दो राय रमानंदो सौरभ गोसाई फिर सर्वम भट्टाचार्यों इन सभी को प्रार्थना किया आप सब प्रभु को बोलकर प्रभु का अनुमति लेके मेरे को दे दो कृपा करके हम मैं वृंदावन दर्शन करके आऊँ जिंदगी में देखा नहीं वृंदावन ऐसा करके प्रार्थना की राय महाशय सर्वट जो आदि ये सब सर्व गुस्साए ये लोगों का बात महाप्रभु कभी नहीं टालना चाहता टल नहीं पाते इसीलिए ये लोगों को प्रार्थना किए ये लोग महाप्रभु का पास आए और प्रार्थना किए प्रभु जगदानंद एक दफ़े और धाम परिक, धाम परिक्रमा करना चाहता है धाम दर्शन करना चाहता है वृंदावन धाम क्यों नहीं इसको थोड़ा अनुमति दे दो कृपा करके जब ये लोगों ने प्रार्थना किया माँ ने ठीक है चलो कर लो परिकमा जाओ क्या करे इसके बाद जगदानंद पंडित महाप्रभु से परमिशन लेके अनुमति लेके वृंदावन का ओर प्रस्थान के लिए तैयारी बैठा है महाप्रभु जी ने इनको थोड़ा उपदेश दिया महाप्रभु जी ने इनको थोड़ा उपदेश दिया वृंदावन जाने का पहले वो क्या उपदेश है भले वृंदावन में जाना ज़्यादा देर तक नहीं रहना वृंदावन में जाना ठीक है चलो जाओ लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहना जल्दी वापस आना और ब्रजवासी लोगों का आचार आचरण का दोष नहीं देखना। आप ब्रजवासी का आचार आचरण अब समझ नहीं पाओगे मुश्किल हो जाएगा हैरान की बात है जगदानंद पंडित को और सिखाया तुम जब जाओगे वृंदावन में पल भर के लिए सनातन का संग मत छोड़ो पल भर के लिए सनातन का संग मत छोड़ो हर वक्त सनातन का संग में रहना धाम परिक चाहे धाम परिक्रमा करना है इधर उधर जाना है दर्शन के लिए कुछ भी करो हर वकत एक पल भर के लिए भी सनातन का संग नहीं छोड़ना ये आदेश दिया है अब ये प्रश्न आता है कि जगदानंद कोई तो बच्चा नहीं है जगदानंद कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जगदानंद पंडित को सनातन गो संभालेगा माँपभू का कहने का क्या मकसद है क्या विचार है हमारा गुरुवर्गों ने विचार बताया ये सनातन गोस्वामी का साथ परिक्रमा सनातन सनातन गोस्वामी का साथ दर्शन करने के लिए बताए सनातन गोस्वामी का संग पल भर के लिए छोड़ने के लिए मना कर दिया इसका कारण क्या है क्योंकि सनातन गोस्वामी के हमारा संबंध गहन का आचार्य हो जगदानंद को शिक्षा देके के को एडवाइज उपदेश देके के जगदानंद पंडित को उपदेश देके महाप्रभु जी ने हम लोगों को ये उपदेश दिया जे धाम परिक्रमा करना है संबंध ज्ञान का साथ करना है और प्रणयी भक्तों का साथ अगर कोई मनमानी परिक्रमा करे तो इस डिपेंड करता है इसका हृदय का स्थिति क्या है जैसे हमने बताया था दो दिन पहले नागा बाबा का परिक्रमा निम्बर्थ संप्रदाय का और हमारा सनातन गुसाई का परिक्रमा ये सब जो परिक्रमा चलते रहते हैं राघव पंडित गोवर्धन गुफा में रहते थे इसका जो परिक्रमा प्रसंग हर वक्त परिक्रमा करते रहते हैं ये सब जो प्रसंग है ये लोग मनमानी नहीं कर रहा है ये भगवान का पार्षद है भगवान का पार्षद है भगवान का साथ इनका नित्य संबंध है इसीलिए सनातन को सही रोज सम लोच परिक्रमा करते रहे गोवर्धन और जगदानंद पंडित को सामने रखकर जगदानंद पंडित को सामने रखकर कर श्रीमन महाप्रभु जी ने हम लोगों को शिक्षा दी कि सनातन संबंध ज्ञान का आचार्य है संबंध ज्ञान का आचार्यों का साथ ये परिक्रमा करना चाहिए अगर कोई मनमानी परिक्रमा करे बद्ध जीव ये परिक्रमा का पूरा फायदा नहीं उठा सके कुछ सुकृति हो सकता प्रेम मिलना भी मुश्किल है प्रेम कहाँ मिले संबंध नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कैसे क्या सुकृति हो सकता जो भी है ये जो धाम परिक्रमा करने का व्यवस्था ये जो महाप्रभु जी ने बताया ये सनातन गुसाई का साथ करना है अब हमारा ये जो परिक्रमा नवद्वीप धाम परिक्रमा का विषय में बताया ये नवद्वीप धाम का परिक्रमा का विशेष है और विशेष है वृंदावन धाम का परिक्रमा का तो विशेष है ही है चौरासी कोष जो वृंदावन में चौरासी क्रोस है वही वृंदावन का यहाँ सोलह क्रोस है चौरासी कोष वृंदावन में है और ये सोलह क्रोस नवद्वीप धाम है ये सोलह आक्रोश का अंदर वृंदावन का सारे तमाम जितना सारे दर्शनीय स्थान हैं सारे गोवर्धन से लेकर राधा कुंड श्याम कुंड कुसुम सरोवर कुछ भी हो हमारा शास्त्रों में विचार आता है जब नंद महाराज जी ने तीरथ जब हमारा नंद महाराज जी ने तीर्थ करने के लिए निकल निकलने का व्यवस्था की फैस फायस्थ, फैसला कर लिया तो हमारा नंद लाला ने अर्थात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ने पिताजी को पूछा है आप किस लिए आप किस लिए आप किस लिए तीरथ तीरथ के लिए निकालते हो तीरथ करने के लिए पहले देखो बेटा मेरा उम्र हो गया अब तीरथ करना जरूरी है उम्र हो गया हम क्या करें बल्ले अगर अगर तमाम तीर्थ अगर अगर हम तमाम तीर्थ को अगर हम तमाम तीर्थ को वृंदावन में साबित कर दे प्रमाण कर दे तो अभी आप जाओगे क्या दुनिया भर का पुष्कर आदि जितना सारे जहाँ जहाँ हैं सारे जहाँ जहाँ जितना तीर्थ है जितना पुण्य नदी है गोदावरी कावरी कृष्णा गंगा जमुना तो जितना है हैं सारे तीरथ मैं प्रमाण करके रखूं, ये वृंदावन का अंदर में है आपको दिखा दूं, ऐसा करके पावन सरोवर का अंदर में पावन सरोवर का अंदर में भगवान श्री कृष्ण नंद लाला ने तमाम दुनिया का पवित्र पानी एक एक करके तीरथ आया अपना परिचय दिया और पानी में समा गया नंदोबहाज को दंडवत दिया प्रणाम किया ऐसा करके पावन सरोवर का अंदर में तमाम तीर्थ का तमाम तीर्थ का इलाहावा तो छोड़ो गंगा जूना सब, तमाम दुनिया का ये जो पानी है ये पावन सरोवर में है वृंदावन धाम का परिक्रमा करो वहाँ गंगोत्री गोमुख से लेकर द्रोणाचल पर्वत से लेकर क्या कुछ नहीं गंधमाधन से लेकर सब कुछ लक्ष्मण झेला राम झोला जितना सारे तीर्थ विराजमान हैं इम्पोर्टेंट इन, सारे तीर्थ राजी सारे वृंदावन कन में उपस्थित केदारनाथ बौद्रीनाथ आदि सारे भगवान श्री कृष्ण ने प्रमाण करके साबित करके दिखाया नंद बाबा को जब ही आगे चल के नंद महाराज ने फासला किया हमको तीरथ जाने का कोई जरूरी नहीं है लाला ने प्रमाण कर दिया सारे तीर्थ इसका अंदर में है अब क्या करें हमारा नौरतम ढागुर ने कीर्तन करके बताया तीर्थ यात्रा परिश्रम सकली मनिर्भ्रम भ्रम सिद्ध गोविंद चरण ये बताया अब हमारा ये नवद्वीप धाम का अंदर में पुष्कर आदि जितना सारे तीर्थ है गंगा यमुना सर तमाम राधा कुंड शैम कुंड आदि ये सोलोक, क्रोश धाम का अंदर में उपस्थित है काल बताया था पार्वती मैया ने शंकर भगवान को प्रश्न किए आप जो गौर नाम लेकर नित्य करते रहते हो ये गौर कौन है इसका बारे में उत्तर दिया, इसका बारे में शंकर भगवान ने उत्तर दिया जंग एवर <coughs> जंग एव राधिका कृष्ण स्व एवं गौरविग्रह जंग एव राधिका कृष्ण स एव गौरविग्रह जच्च वृंदावनम देवी नवद्वीपंच तत्शुभम जिसको राधा गोविंद कह रहे हो, यही गौरांग है जिसको वृंदावन धाम कहते हो यही नवद्वीप धाम है और वृंदावन धाम से भी महिमा ज़्यादा है वो सरस्वती सरस्वतीवाद जी ने ये सब साबित करके दिखाया क्यों विशेष है क्योंकि क्योंकि ये नवद्वीप धाम जो है ये नवद्वीप धाम का अंदर में आपको ज्यादा कृपा मिलने का संभावना है क्यों यहाँ भगवान का ओदार जो प्रधान माधुर्य जो विग्रह वृंदावन में माधुर्य प्रधान औदार्य विग्रह वृंदावन का अंदर में माधुर्य प्रधान औदार्य विग्रह और ये नवद्वीप धाम में औदार्य प्रधान औदार्य प्रधान माधुर्य विग्रह मतलब जितना हो सके लूट लो खजाना लूट लो प्रेम की खजाना नवद्वीप धाम में गौर नित्यानंद नाम लेने से ही बात तमाम सुविधा मिलता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती को समय पोपा जी ने ये धाम परिक्रमा का धाम परिक्रमा का व्यवस्था किए हैं और धाम परिक्रमा के द्वारा पोपा जी ने ये पाँच सात दिन का तमाम लगातार कथा का, का व्यवस्था क्योंकि बद तो बद्यजीव तो करेगा नहीं कथा तो सुनेगा नहीं भद्रजीव तो करेगा नहीं कथा सुनने के लिए तैयार नहीं है तो धाम का ये व्यवस्था धाम परिक्रमा का व्यवस्था ये धाम परिक्रमा का व्यवस्था लेकर साधु संग मिलने का व्यवस्था भी हो जाएगा हर वक्त मंदिर में साधुओं का हरिकथा सुनना हर वक्त साधुओं का प्रवचन सुनना हरिकथा सुनना उनकी कीपा प्राप्त हो फिर महाप्रसाद मिलेगा ये सब करके ये जड़ जगत का सब बद्ध जीवों को कृपा दिलवाने के लिए ये जड़ जगत का बद्ध जीवों को कृपा दिलवाने के लिए प्रपा जी ने ये नवद्वीप धाम परिक्रमा का व्यवस्था की क्योंकि ये बड़ा आश्चर्य धाम है ये नवद्वीप धाम ये नवद्वीप धाम परिक्रमा ये नवद्वीप धाम का दर्शन करने का साथ साथ इतना मंगल होता है कि मत पूछो लेकिन धाम परिक्रमा का प्रसंग जो है मैंने भी मैंने भी गुरु वैष्णव का अनुगत में फप फप। गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा प्रेरित होकर धाम परिक्रमा किए लेकिन इसमें एक विशेष बात है पहला बात है कि धाम का तो दर्शन ही नहीं होते काल भी बताया था भक्त में ठाकुर धाम परिक्रमा खंड में लिखा है देर इज व देर इज अट नेटवर्क ये धाम का ऊपर एक नेट जाल बिछाया हुआ है ये धाम का ऊपर एक जाल बिछाया हुआ है माया माया देवी का जाल बिछाया हुआ है ये जाल का नेट का ऊपर ये जाल का ऊपर जो है जितना सारे बद्ध जीव जो है मनमानी चल रहा है होटल चल रहा है गेस्ट हाउस चल रहा है तमाम दुनिया का लफड़ाबाजी चल रहा है ये जो चल रहा है भक्त में ठाकुर जी ने बताए धाम का साथ ये जड़ जगत का आदमी जो इन लोगों का कोई स्पर्श नहीं हो रहा है धाम का साथ इसका कांटेक्ट नहीं हो रहा है जितना सारे बाजी चल रहा है धाम में इन लोगों का साथ धाम का कोई तलुकात नहीं है क्यों धाम का ऊपर एक जाल बिछाया हुआ है भक्त ठाकुर जी ने बताया माया का एक जाल बिछाया हुआ है ये जाल का ऊपर है ये लोगों का स्थिति ये लोगों का जो स्थिति है, है ये लोगों का जो स्थिति है ये जाल का ऊपर है ये लोगों का जो स्थिति है ये जाल का ऊपर है धाम अप्राकृत वस्तु है धाम का साथ इनके कांटेक्ट होना संभव नहीं है अप्राकित बिभू वस्तु धाम अप्राकित बिभू वस्तु धाम अप्राकित बिबू वस्तु धाम अप्राकृत विभू वस्तु फिर भी कैसे प्रापंचिक जगत में धाम आ सकता है इसका विचार भक्तिम ठाकुर जी ने बताए अचिंत शक्ति इनकॉन्सिबल इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रीहेंशन विभू वस्तु होके भी ये प्रापंचिक जगत में ये प्रापंचिक जगत में धाम का आना प्रकटित होना एक आश्चर्य की कृपा है धाम अगर नित्य धाम से धाम अगर नित्य धाम से ये प्रापंचिक जगत में अवतीर्ण होने का लीला करता है इसका मतलब ये नहीं कि वृंदावन धाम उधर से गोलोक वृंदावन से आए हुए हैं तो मतलब गोलोक वृंदावन गोलोक वृंदावन से गिरिराज महाराज आया हुए हैं गोलोक वृंदावन से जमुना जी आई हुई है तो मतलब गोवर्धन उधर और नहीं है ऐसा विचार न करो गोवर्धन अपराकृत वृंदावन से गोलोक वृंदावन से इधर पधारे हुए हैं इसका मतलब यह नहीं कि गोवर्धन उधर नहीं है यमुना जी आई हुई है अपरागित गोलोक वृंदावन से इसका मतलब यह नहीं कि उस गोलोक वृंदावन में जमुना जी और नहीं है इधर आ गया मतलब नहीं है क्योंकि हम लोगों का जो मेटेरियल कंसेप्शन है हम लोगों का जो मेटेरियल कंसेप्शन है इस जड़ जगत में ये कई वस्तु एक जगह से हटाया जाए तो वही वस्तु का अनुपस्थिति महसूस होगी ये जड़ जगत में किसी विशेष वस्तु का अगर इधर से दूसरा जगह ले जाओ तो ये इस जगह जो वस्तु पहले हमने दिखा है ये अभी इसका अनुपस्थित अनुपस्थिति डेफिशिट अगर हमको किसी ने दस लीटर खीर दिया दूध मिल्क दस लीटर इनमें से दो लीटर मैंने आपको दे दिया इसका मतलब दस लीटर से दो लीटर चला गया मतलब अभी आठ लीटर मेरा पास है लेकिन अपराकृत धाम का कंसेप्ट काल भी बोल रहा था काल भी मैंने ये बोल रहा था लॉजिकल कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ़ दर एफ्सलिट ट्रूथ अपराकृत जगत का रास्ते में प्राकृत जगत का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैलकुलेशन टाइम स्पेस एंड मैटर कंसेप्ट टाइम स्पेस एंड मैटर का कंसेप्ट कभी भी एप्लीकेबल नहीं है काल बताया था ये अपराकी जगत में देखा जाए तो गोवर्धन जी महाराज उधर से पधारे इसका मतलब ये नहीं कि गोवर्धन उधर खाली हो गया उधर गोवर्धन नहीं है उधर से गोवर्धन पधारी हुई है मतलब गोवर्धन उधर है ये उप, उपनिषद का विचार है पूर्ण स्वपूर्ण मादाय पूर्ण में वशिष्व थे पूर्णस्वपूर्ण मादायो पूर्ण में वशिष्ते थे पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु को लिया जाए पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु को लिया जाए तो फिर भी ये पूर्ण वस्तु अवशेष रहता है पूर्ण स्वपूर्ण मादायो पूर्ण मेंव अवशिष ये प्रमाण है शास्त्रों का ये सब धाम का बारे में प्रिलिमेनरी कंसेप्शन मैंने बताया अभी धाम परिक्रमा परभ माधोशी महाराज शिला भक्ति प्रमोद तुर्गी महाराज ये सब महापुरुषों ने धाम का परिक्रमा किए हैं इन लोगों का साथ जिन्होंने धाम परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला जिन लोगों को जिन लोगों को सौभाग्य मिला जिन लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला जिन लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला महा महाजनों का अनुगत्व में महाजनों का अनुगत्व में अगर ये परिक्रमा किया जाए तो ये परिक्रमा हर हालत में फ़ायदा था बहुत इतना फायदा होगा कोई बोलने का नहीं है और भक्त तो संग क्योंकि धाम का दर्शन होना मुश्किल है धाम का दर्शन होना मुश्किल है ये जरों जगत का जरों जगत का जो आंखों है जो आंखें हैं ये आंखें लेकर धाम का दर्शन होना संभव नहीं है ये जगत का जो आंखें हैं ये आंखें लेकर अपराखित तो धाम का दर्शन नहीं होता है शिल किशोर दास बाबाजी महाराज को एक व्यक्ति ने बताया हमने नवद्वीप धाम में दो काठा जमीन खरीदा है गौर बाबा बाबाजी महाराज ने हैरान हो गया बोले कैसे आपने दो काठा जमीन किया इतना पैसा कहाँ से मिला आपका है जबकि एक एक धूलिकन एक डस्ट पार्टिकल एक धुनिकन ये धुनी एक जो धूलिकन है इसका कीमत देने के लिए कोई पैसा नहीं है तमाम इन्फिनी ए जड़ जगत में ब्रह्मा शंकर ये सब प्रार्थना करते रहते हैं आपको दो काटा जमीन कैसे मिला इसके द्वारा गोरकिशोर दस बाबा जी महाराज कहना चाहा और प्राकृतिक धाम का दर्शन बद्धजीवी को नहीं होता बद्ध जीवों का लिए धाम दर्शन संभव नहीं है धामेरो स्वरूपो फुरी वे नयने ने हो राधा रो दासी गौ मने वेदना मानी बो ये सब कीर्तन में है कीर्तन का अंदर में लिखा हुआ है मतलब ये है ये धाम को दर्शन कराएगा कौन मैंने तैयार कर लिया जो हमारा गुरुवर्गों के समय में जो परिक्रमा हुआ करता था इसका थोड़ा विषय हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं वर्तमान अवस्था में जो परिक्रमा चल रहा है इस परिक्रमा कितना फायदादायक है कौन परिक्रमा चला रहा है उसका अंदर में कितना प्रेम प्रीति है ये बड़ा इट इज़ ए ग्रेट क्वेश्चन बिग क्वेश्चन बड़ा प्रश्न है परम पूजा माधव गो महाराज परम पूजा भक्ति तो माधव गो महाराज परम पूजा भक्ति पूर्ण पूर्व सिंह महाराज ये सब महापुरुष के अनुगत्व में जिन लोगों ने परिक्रमा किया है और वर्तमान जगत में जो परिक्रमा चल रहा है वो अगर किसी व्यक्ति ने अगर पहले किया हुआ है तो फर्क महसूस होगा ये फर्क जो है महसूस हो जाएगा क्यों क्योंकि भक्तों का अंदर में जो प्रेम है प्रेम के द्वारा छुरी तो भक्ति विलोचन संत सदृदयती यंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण सर्पम गोविंदमादिपुरुष तमाम भयामी प्रेम प्रीति के द्वारा दर्शन होता है बिना प्रीति दर्शन करना संभव नहीं है इसीलिए धाम परिक्रमा प्रणयही भक्तों का संग में करना चाहिए जैसे कि धाम परिक्रमा चल रहा है शिला भक्ति पूरी सबसे पहले चल रहा है धीरे धीरे बाकी भक्त लोग पीछे चल रहे हैं कीर्तन चल रहा है माधव गुस्वाय कीर्तन कर रहे हैं हे ब्रजवासी हमको बता दे कहाँ जाने से कृष्ण मिलेगा हे ब्रजवासी लोग हमको बता दे कहाँ जाने से कृष्ण मिलेगा ऐसा करके माधव गुस्सेवाय कीर्तन कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं उस समय मैंने डायरेक्टली सुना है हमारा गुरुवर्ग से उस समय जितना सारे व्यक्ति परिक्रमा कर रहा था ये सब व्यक्ति नित्य कर रहे थे महाराज जी का साथ और इन लोगों का में आंसू का झलक दिखाई पड़ा बंगला में कितन हो रहा था बंगला में कीर्तन हो रहा था बंगला में और आंसू कीर्तन क्या हो रहा है इसका मीनिंग भी इसका माने क्या है ये जो कीर्तन चल रहा है ओरे बोझो बोल कहाँ जाने से हमको कृष्ण मिलेगा जो बंगला में कह रहे हैं महाराज जी कीर्तन इस हिंदी भाषी किसी को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी वो लोगों का आंसू में आंखों से आंसू टपक पड़े फिर भी इन लोगों का आंखों से आंसू टपक पड़े किसलिए किस लिए बिकॉज हरिकथा एक्चुअल हरिकथा एक्चुअल कीर्तन इज द लैंग्वेज ऑफ योर हार्ट आपका जो हृदय है हमने पहले भी बताया पोपात बहुत बहुत बार बताया भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर शोल्ड भक्ति आत्मा का वृत्ति है भक्ति ये आत्मा का वृत्ति है स्वाभाविक सा, वृत्ति तो ये जो हरिकथा कीर्तन है ये तो भक्ति है हरिकथा कीर्तन जो चल रहा है ये हरिकथा कीर्तन के द्वारा ये जो आदमी भाषा समझता नहीं वो भी उसको भी समझ में आ रहा है हरिकथा इज द लैंग्वेज ऑफ योर शोल आत्मा का भाषा है सुनने का बात सब रो रहे हैं हमारे गुरु वर्गों ने प्रश्न किया पंजाब का किसी माताजी ने कही एक गुरुवर्गो को ये गुरुवर्गो का नाम है ये हमारा हावरा जाने के समय में एक जगह मिलता है चंदन नगर का बात एक जगह आता है इसी जगह इनके मठ है मैं कई बार गए चुका ऋषिकेश महाराज ऋषिकेश महाराज को ये माताजी ने बुढ़िया रानी माताजी ने पूछी है महाराज ये जो कीर्तन चल रहा था ये कीर्तन चल रहा था ये कीर्तन का क्या माने हैं महाराज जी ने कि आप कीर्तन का माने नहीं समझा आपका आंसू आपका आ, आपका आंखों से आंसू कैसे आया बोले महाराज कुछ पता नहीं किस लिए मैंने कोई कीर्तन का भाषा समझा नहीं लेकिन आंखों से आंसू टपक पड़ा क्या माने हैं बोले कीर्तन का माने जो बताया ऋषिकेश महाराज हिंदी में हैं तो हैरान हो गया मैंने महाराज मैंने तो भाषा समझा नहीं लेकिन महाराज जी का मुखारो बिंदु से सुनते सुनते हमारा दिल फट गया आंखों से आंसू टपक पड़ा या मैं रुक नहीं पाए हमने रोकने का कोशिश की रुक नहीं पाए क्यों क्यों ऋषिकेश महाराज जी ने बताया ये हमारा ये जो महापुरुष लोग हैं माधव गुश्व महाराज भक्ति भूमपुरी से महाराज ये लोगों का हृदय में अ फायर ऑफ सेपरेशन विरह अग्नि विरह का अग्नि विराजमान है ये जो विरह का अग्नि विराजमान है इन लोगों के हृदय में जब आजू बाजू में जो व्यक्ति है ये विरह का अग्नि कीर्तन करने के साथ साथ विरह का जो अग्नि है उछल पड़ते हैं अब विरह का अग्नि का जो इफेक्ट है हर आदमी को स्पर्श करता है एक सीक्रेट विषय है ये होगा ही होगा अगर कोई अपराध किसी ने नहीं किया पाप ठीक है पाप किया ठीक है अपराध अगर किसी गुरु वैष्णव धाम नाम में नहीं किया होगा तो आंसू इसका आएगा ही आएगा क्यों एलो का अंदर में जो विरह अग्नि है ये जब कीर्तन करते रहते हैं ये लोग का डायरेक्ट फीलिंग है अब बाज़ार में जो कीर्तन चलता है देयर इज नो मीनिंग ये कीर्तन कोई माने नहीं रखता है ये जो कीर्तन बाजार में चलता है इसका क्या माने रखता है बताओ कोई फीलिंग नहीं है कोई अनुभव नहीं कोई भक्ति नहीं है बस कीर्तन कर दिया इसीलिए वर्तमान अवस्था में परिक्रमा का हंड्रेड परसेंट फायदा लेना बहुत मुश्किल है कैसे ले किसका साथ परिक्रमा करोगे जीवों का साथ परिक्रमा करोगे मलाई खाओगे है डाप खाओगे ग्रीन कोकोनट मलाई खाओगे ये सब करोगे और क्या करोगे दाम परिक्रमा का मतलब कंटिन्यूस कीर्तन हरि का था परम पूजा भारती महाराज जी ने कहा महाराज हैरान करने का बात है सुबह से लेकर सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करने का बावजूद कोई थकावट महसूस नहीं होता हम महाराज हाँ थकावट महसूस नहीं होता ये ठाकुर जी का कृपा है चालीस किलोमीटर वृंदावन में परिक चालीस एक एक दिन में तीस किलोमीटर चालीस किलोमीटर परिक्रमा करने का बाद भी कोई महसूस कोई थकावट महसूस नहीं होता मेरे को एक एक दिन में दो बार भी गोवर्धन परिक्रमा किया है गोवर्धन मठ जो है उधर रहा करता था पहले कुछ ही दिन के लिए रोज कुछ थकावट नहीं महसूस होता क्यों ठाकुर जी जाने क्योंकि मैं अपना सामने गुरुवर्गो को राख के परिक्रमा करता था मैं अपना सामने को माधव को से महाराज भक्ति भक्तिम ये लोगों को राख के मैं परिक्रमा करता मेरा अनुभव होता है को आगे जा रहा है मैं पीछे जा रहा हूँ ऐसा करके परिक्रमा करने का जो व्यवस्था है करते थे भारती महाराज कहते थे ये मारा हैरान की बात है सुबह तीन बजे से लेकर रात ग्यारह बारह बजे तक तमाम परिश्रम दो तीन घंटा विश्रम लेने का व्यवस्था न जाने कैसे कोई थकावट महसूस नहीं होता कैसे क्योंकि यह ये था, ये जो कीर्तन है ये जो वैष्णव संग है ये जो प्यार हैं ये जो हर वक्त बदज जीवों को पोपात भी कहते थे ये पोपात भी कहते थे पोपाध भी कहते थे हम आप लोगों को हरिकथा कीर्तन के द्वारा पकड़ के रखा है मेरा साथ आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं है अगर हरिकथा कीर्तन का साथ रिश्ता जुड़े हुए हैं तो मेरा साथ आपका संबंध है ऐसे तो गुरु बे, गुरु वैष्णव का साथ भगवान का गुरु का साथ नित्य संबंध है ही है ये मेरा कहने का मतलब है अगर हरिकथा के द्वारा हम प्रोपात का साथ नाता जोड़ के रखे इट्स वन कैन लॉकिंग अगर हम प्रपा प्रोपात का साथ गुरुवर्गो के साथ कथा कीर्तन का, का माध्यम अगर नाता जोड़ के रखे तो ठीक है अगर कथा कीर्तन के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है छोड़ दिया खाने पीने में लग गया हो गया गुरुवश गुरु वैष्णव गुरु का साथ अटैचमेंट बन नहीं पाएगा डिटैचमेंट हो जाएगा जब ही गुरु वैष्णव का साथ नाता तोड़ गया बस हर हालत में गिरने का हालत पैदा हो जाएगा इसीलिए बहुत सारे घटना हैं हम काल भी बताएंगे परम पूछी बात भक्ति माधव के महाराज शिला गुरुपात पद्मों शिला के की सहाज को आदेश है ना बोलते थे आप पाठ करना तो गुरुपात पद्मों भक्ति रत्नाकर नवदी है ना हर हर जगह से परिक्रमा खंडो सब बृंदावन का परिक्रमा का जो विषय है इसको कहते थे करते थे परिक्रमा डिफरेंट पुराण से इधर उधर से निकलकर एक एक जगह का महिमा बताते थे कई सारे घटना इन दिनों में मेरा चर्चा करने का इच्छा रखते हुए आज एक घटना हम बताएंगे जब परम माधव के महाराज जगत से चले गए तब का समय का एक घटना भक्तों लोग सारे वृंदावन धाम का परिक्रमा कर रहे हैं शिला भक्ति भूतपुरी की श्री महाराज हरिकथा बोलते रहते हैं हरिकथा कीर्तन हरि कथा और कीर्तन चलते रहते हैं और भक्ति भूमपुर के समय आगे चल रहा है लाठी पकड़ कर पीछे भक्तों लोग सब परिक्रमा कर रहा है धीरे धीरे अब इनमें से एक भक्तों का दिमाग खराब है इन्होंने अपराध कर डाला इन्होंने बोला ये गोवर्धन परिक्रमा में अभी इतना दूर बाकी है शिलापुरी को से माया हर वक्त शिलपुरी गोष्णी महाराज हर बगह लेट करते रहते हैं बड़ा देर हो जाएगा बड़ा देर हो जाएगा कैसे हम प्रसाद पाएंगे ऐसा बस जल्दी जाना है इन्होंने आस्ते आस्ते धीरे धीरे जाता है इस बात शिल भक्ति वल्लभ तत्थु गोसि महाराज का कानों में आया ये जो बात है ये कमेंट, ये जो कमेंट है ये भक्ति वल्लभ महाराज का कानों में आया महाराज जी एकदम आग बुलबुले आग बुलबुले हो गया आओ के बताए अब बताए आप जाओ आप जल्दी जाओ आप जल्दी जाओ 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 जाओ, जाओ। जल्दी जाओ, जाओ।, जाओ आप जाओ जाओ आप जल्दी जाओ परिक्रमा करो जाओ जाओ आप जल्दी परिक्रमा करो आपका बड़ा देर हो रहा है आप जाओ हम ये महापुरुष का पीछे जाएंगे क्योंकि धाम ये जड़ आँखों से दिखाई नहीं पड़ता शिला भक्तिपूर्ण महाराज आगे चल रहे जब राधा कुंड और ललिता कुंड का संयोग स्थली आए तो भूलुंठित होकर प्रणाम किए ललिता सखी को राधा रानी के कुंड को ये जब प्रेम प्रीति का प्रसंग है ये मेटेरियल जगत का कोई आदमी समझेगा नहीं ये जड़ जगत का कोई आदमी समझेगा नहीं क्या बात है क्या विशेष है वो जो परिक्रमा करते करते दंडवत कर रहा है जो अनुभव जो तीर्थ महाराज भारती महाराज ये लोग अनुभव कर सकता है बाकी लोगों का अनुभव का विषय नहीं है ये लोग जो लाठी ठोकते ठोकते आगे आगे चले जिस वस्तु को दर्शन कराए ये देखो जैसे नित्यानंद बबू का नित्यानंद बबू का धाम दर्शन कराने का जो प्रसंग है जीवों को संयप ये काल हम थोड़ा विचार उठाएंगे जब प्रणयी भक्तों कहें देखो ये गोवर्धन है ये मानसी गंगा है ये देखो कुसुम सरोवर है ये जो उंगली उठाकर दिखा रहे हैं, तो क्या होगा क्योंकि बल्लाव जी महाराज जो है गुरु तत्व तो है और ये बल्लाव जी महाराज बल्लाजी महाराज स्वयं गुरु तत्व है आकर गुरु तत्व आज जो गुरु जी मेरे को धाम दिखा रहे हैं वो भी बल तत्व है आई बात समझ में जो धाम तत्व है ये तो बलदेव तत्व गुरु तत्व बलदेव तत्व है और जो मेरे को दिखा रहे हैं गुरु जी वैष्णव लोग माधव महाराज भक्ति भोजपुरी के महाराज जो दिखा रहा है धाम को ये भी बलदेव तत्व तो है ये भी बोलदेव तत्व तो है गुरु तत्व तो है तो गुरु जी जब ऐसा दिखा रहा है देखो धाम देखो तो बलदावजी महाराज का कृपा के अनुसार धाम दर्शन का एक अनुभव पैदा होता है हृदय में सच पूछो तो अंधा आदमी का सच पूछो तो अंधा आदमी के लिए धाम दर्शन संभव नहीं है ये टोटली ब्लाइंड है मेट्रियल आदमी कैसे दर्शन करें एक उदाहरण दे दे मिसाल दे दे इसके द्वारा आपको विश्वास पैदा हो जाएगा ये मैं हकीकत कह रहा हूं सच्चा घटना अकबर बादशाह ने सनातन गोसाई का सेवा करने के लिए बहुत बार प्रार्थना किया थोड़ा बहुत सेवा स्वीकार कीजिए गोसाई जी गोसाई जी थोड़ा बहुत सेवा स्वीकार कीजिए थोड़ा बहुत सेवा सिपार बार बार बोलते बोलते सनातन गोसाई जी ने बताएं मेरा तो कोई सेवा है नहीं हाँ थोड़ा बहुत सेवा ली ठीक है चलो मैं जो जमुना घाट पे उतारता हूँ ये जो दादस आदित्य टोला के ऊपर भजन कुटीर वहाँ से मैं नीचे उतारता हूँ वो जो झीना है थोड़ा खराब हो गया इस झीना को अब मरम्मत करा दो ये झीना जो थोड़ा टूटा फूटा ये जो टूटा फूटा झीना है इसको थोड़ा अब मरामत करा दो अकबर बदसा ने सोचा इतना अपमान मैं बादशाह हूं क्या लाखों करोड़ों का सेवा कर दूं आपका लिए आप कह रहे हो कि सनातन को सही देखा दिखाया अकबर बस्सा को ओ देखो उधर देखो उधर ये जो ये जो झीना है ये मरम्मत करा दो सनातन गुस्सा में अंगली उठाकर दिखाया ये देखो ये जो झुन्ना का मरम्मत करा दो अकबर वश्सा का चक्कर आ गया हा? क्या दिख रहा है अकबर वत्साह देख रहा है वास्तव धाम का स्वरूप ये मुस्लिम है मुस्लिम है फिर भी सनातन गुसाई का ये जो इंडिकेशन है देखो ये जो झीना है उसका मरम्मत करा दो ऐसा उंगली उठाकर जब दिखाए अकबर बस्सा का चक्कर आ गया पैर पैर में पड़कर गिर गिराया बोले महाराज आप क्षमा कर दो मेरा बड़ा अहंकार पैदा हुआ था मैंने सोचा कि ये धाम का सेवा आपका सेवा कर दूं मेरा पूरा जो साम्राज्य है इसको बिक्री करने से भी आपका जो झीना है अप्राकृतिक वृंदावन का झीना इसका मरम्मत करना संभव नहीं है इसमें जो इसमें जो पदरागमनी इसमें जो डायमंड डायमंड्राकृत ज्वेल्स अप्राकृत तो ज्वेल्स अप्राकृत तो ये तो जो मनी मुक्ता ये जो लगा हुआ है ये मेरा बाप का भी हिम्मत नहीं है इसका मरम्मत करें आप मेरे को क्षमा करना कहने का मतलब है बादशाह जी ने धाम देखा नहीं चलो ठीक है साधु गुरु वैष्णव के लिए थोड़ा श्रद्धा है ये पालन भी करता नहीं ये वैष्णव भी नहीं है वैष्णव का प्यार कर चलो ठीक है थोड़ा सुकृति हो सकता है और इन्होंने जब उंगली उठाकर दिखा, देखा जब हमारा सोनातन गोसाई जी ने अकबर बादशाह को उंगली उठाकर कर देखा वो देखो ये झीना खराब हो गया इसका मरम्मत कर दो तो धाम धामेरो स्वरूपो फ्रीबे नयो ही वो राधा उदासी भक्त में ठोक कह रहे धाम का स्वरूप अचानक धाम का स्वरूप प्रकटित हो गया धाम दर्शन किया किन्होंने ने दर्शन किया अकबर वसा मुस्लिम और हमारा दर्शन क्यों नहीं हो रहा है आपका और हमारा दर्शन क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि महापुरुषों का अनुगत अभी बाकी है नहीं किया एक महापुरुष का अनुगत्य करे तो गौरंग लीला भी इसी जन्म में दर्शन हो सकता है क्योंकि लिखा हुआ है जगदानंद पंडित जी ने लिखा है औद्यापी शै लीला करे गौर राय कोनो कोनो ने देखी भारे पाए ये धाम परिक्रमा का प्रसंग इतना गहरा है इतना गंभीर है जो ये दो चार शब्दों के द्वारा इसका रिप्रेजेंटेशन करना संभव नहीं है चलो ठीक है आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए यहाँ ही कथा का विश्राम दे काल फिर पूर्ण चर्चा होने का इच्छा रखते हुए बाद में हर जगह का मैं चर्चा करने के लिए वादा करता हूँ प्राय न देव मुनय शिमुक्ति कामा मौनम चरंत न परार्थ निष्ठा नहीं था न भी हायो किपना न भी मुमुक्षोय एको न न्याम्तदश्च शरणम् ब्रह्मतो नुपाशे वांछकल्पदूरुसे के पासिन्दबजा पशी तानग पापों ने बोविष्णाब्योर